तो जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो ये महिला ग्राउंड है, इसके अंदर ही मेला लगता है और बाकी इसके अंदर अलग अलग कॉम्पिटिशन चलते हैं। ये देखो पहले बॉलीवुड सिंगर आने वाला आज नाइट में, ये उसकी व्यवस्था हो रही है। आपको मिलेगा 10 रुपए में और बच्चा। आप लोग मेले के अंदर आओगे तो इस तरफ तो आप लोगों को शॉपिंग करने का एरिया दिखेगा, मतलब जो भी आप लोगों को खरीदना हो गर्म ड्रेसेस वगैरह कुछ भी मिल जाएगी। और इधर साइड में बच्चों के झूले लगे हुए, ये देखो शादी ब्याह का जो शादी ब्याह में हाल चाल स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ पुष्कर मेला, इसको पशु मेले के नाम से भी जाना चाहिए। पूरा देश विदेश में काफी मशहूर है ये मेला और इसी के साथ में यहाँ पे फॉरेन कल्चर के काफी लोग आते हैं, मतलब आप लोगों को इंग्लैंड वगैरह के और काफी सारे लोग देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो चलते और आप लोगों को मेला घुमाते हैं। और ये मेला इतना मशहूर है, यहाँ काफी सारे पशु आते हैं, मतलब 7-7 करोड़ के घोड़े आते हैं, भैंसें आती है, ऊंट आते हैं, उनको डांस कराते हैं और अलग अलग कंपटीशन होता है, पूंछों का कंपटीशन होता है, बाकी सब चलते हैं और अंदर चल के आपको जानकारी देते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, वीडियो काफी मस्त होने वाली है। तो जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो ये महिला ग्राउंड है, इसके अंदर ही मेला लगता है और बाकी इसके अंदर अलग अलग कॉम्पिटिशन चलते हैं। ये देखो पहले आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे बॉलीवुड सिंगर आने वाला आज नाइट में, ये उसकी व्यवस्था हो रही है। और वो देखो कोई कंपटीशन चल रहा होगा वहाँ पे ऊँट ऊँट का, ऊँट और घोड़े वगैरह का। ये देखो ये पूरी मतलब अभी जाने के लिए बंद कर रखा है पब्लिक, देखो जाकर अंदर जाना अलाउ नहीं है। ये देखो और पीछे साइड में मेला लगता है, वहाँ पर चलते और दिखाते आप लोगों को। ये देखिए मेले में आप लोगों को इस तरह की दुकानें देखने को मिलेगी जहाँ पर आप लोगों को बड़ी बड़ी तलवार और ये लट वगैरह देखने को मिलेंगे। देखो और ये अंदर ग्राउंड में मेला लग रहा है, यहाँ पे झूले वगैरह लगे और आप लोगों को मास्क वगैरह चाहिए तो यहाँ मिल जाएगी। चलो ये देखो पुलिस कितनी कितनी शक्ति रहती है यहाँ पे पूरी व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि भाई पब्लिक बहुत आती है इस मेले में। एक कुंभ का मेला होता है और एक पुष्कर का मेला होता है, तो इस दो मेले में ना पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ लिमिटेड पब्लिक आती है। ये देखो और बाकी अभी अंदर भी चलेंगे और जहाँ पे पशुओं का कंपटीशन होता है वहाँ पे भी चलेंगे। ये देखो ये आपको मिलेगा 10 रुपए में मात, और इसमें अलग अलग आवाज निकालते बच्चा रो रहा है और बच्चा खुश कैसे होता है। पापा घर पे आ गए भाई, मेले में आने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है और आपका दिल खुश हो जाएगा। आर्टिफिशियल मेहंदी कितने रुपए की मैडम, कितने का लगवाई दिखा ना। देखिए मात्र 20 रुपए में यार, बहुत सस्ता बनाते हैं भाई। कितने कितने की है महंगी, कितने की है 20 रुपए। ये देखो 20 रुपए में कुछ भी आपको छपवाना तो आप छपवा सकते हो, और ये घर में लगाने के लिए इस पर आप लोग अपने कुछ भी रख सकते हो। वो सिद्धू मूसे वाला भी है, ये सिद्धू मूसे वाला है क्या? ये देखो सिद्धू मूसे वाला। अगर राजस्थान में और ये यहाँ पे आप लोगों को देखो घर के लिए कुछ सामान चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, टिफिन वगैरह और ये कढ़ाई वगैरह और ये जलेबी, जलेबी निकालने वाली कढ़ाई है क्या? ये देखो जलेबी निकालने वाली, मतलब घर पे निकालो जलेबी खाओ आराम से, जो बाहर की नहीं खाना पसंद करता हो घर पर बनाओ खाओ। और ये 20 रुपए के फ्रेश फ्रूट मिलेंगे आप लोगों को। ये देखो 10 रुपए में, और ये देखो चीटिंग करता है, क्या कहता है कि हमें नहीं खिलाएगा 10 रुपए अभी खिलाएगा। देखो यहाँ पे बच्चों के लिए भी मनोरंजन के लिए भी काफी सारे झूले लगे हुए, जो 8 साल तक का बच्चा या 10 साल तक के लिए, ये देखो क्या बोलते हैं उसका नाम तो बताओ, ये झूले का नाम क्या भैया? विक्की माउस का झूला। कितने साल तक के बच्चे झूल सकते हैं इसमें? 10 साल तक। क्या रुपए टिकट है? मैं नहीं आ सकता, 10 साल तक के बच्चे झूल सकते हैं, 50 रुपए टिकट है। क्या बड़े लोग नहीं झूल सकते? नहीं बड़े का मना है यहाँ पर, तो भाई बड़े नहीं झूल सकते बच्चे। और वो देखो अपन वो बड़ा वाला खाएंगे, सबसे बड़ा वाला। ओहो ये बोट वगैरह चलानी तो वो भी चला सकते हो आप। कितना चार्ज है इसका? 50 रुपए। कितनी देर? 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट? ज़्यादा कम नहीं होगा 5 मिनट? बच्चा ना आए कोई तो 10 मिनट हो जाए, 15 मिनट।
अच्छा मतलब बच्चे के ऊपर टाइम 5 मिनट का। चलो सब बच्चों के लिए देखो बच्चा का लास्ट कितने साल का बच्चा देखो बच्चा भाई फुल मौज का लास्ट 10 साल का बच्चा या 10 से 12 साल का बच्चा। टिकट कितना बताया 50 रुपए बड़े नहीं जा सकते 50 रुपए टिकट बताया भाई चलो ठीक है बहुत बढ़िया यार। चलो आप लोग कहाँ से चाची कहाँ से अच्छा किशनगढ़ से। इस बार मेला का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है मतलब फुल एंजॉय पैसा वसूल है। चलो बढ़िया हमारे राजस्थान के लोग आए हुए हैं। तो जैसे गाइस आप लोग मेले के अंदर आओगे ना तो इस तरफ तो आप लोगों को शॉपिंग करने का एरिया दिखेगा मतलब जो भी आप लोगों को खरीद रहा हो गर्म ड्रेसेस वगैरह कुछ भी मिल जाएगी। और इधर साइड में बच्चों के झूले लगे हुए हैं देखो मिक्की माउस वगैरह ड्रैगन वाला और ये क्या बोलते इसको क्या चीज़ है भैया कारपेट कवर है सोफे के कारपेट भी सोफे के कवर और कारपेट वगैरह के। और आप लोगों को जूस वगैरह पीना तो यहाँ पे स्टॉल वगैरह भी लगी है काफ़ी सारी। ये देखो ये कितने का भैया है भैया ये कितने का 100 रुपये का ये देखो क्या बोलते हैं इसको पहले जवा केसरी कर ले भैया भाई ये कितने का है क्या बोलते हैं इसको क्या नाम है इसका टी होल्डर ये देखो इसमें आप लोग सामान वगैरह रख सकते हो। कितने सारे किचन वगैरह आप लोगों को बनवाने हो तो ये नॉर्मल रहता है अगर आप लोगों को इसमें नाम लिखवाना है तो नाम भी लिखवा सकते हो। ये चने मूंगफली क्या बोलते हैं इसको मिक्स मसाला क्या बता यार क्या बोलते हैं लकड़ी की चीजें यार कब तक देखिए आप। महेश टैटू आर्टिस्ट देखो यहाँ पुष्कर में महेश टैटू आर्टिस्ट की वो भी लगी है शॉप भी लगी है तो जिस कोई भी दिल्ली में जाके नहीं बनवा सकता तो वो यहाँ के बनवा सकता है। क्या बता क्या चार्जेस है भैया टेम्परेरी वाला थोड़ी ना बनाता वो टेम्परेरी वाला परमानेंट वाला बनाता है। ये देखो ऐसा कुछ भी बनवाना वो बनवा सकते हो आप। ये बुके इसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा तो आप लोग बनवा सकते हो। हाँ बोलो ना भाई ऐसे ही गाइस हम लोग दूसरी साइड में आ गए। ये देखो ये जो है ना ये सर में रखने का है। हाँ ये शादी ब्याह का जो शादी ब्याह में हाँ शादी ब्याह में फोटो ले लो हमारी ये अम्मा अच्छा ले लो तुम अम्मा अम्मा कुछ तो ये इसको सर में रख के वो करते हैं क्या कहते हैं मटका रखते हैं भैया आप लगो चाची ये मायरा में कहाँ आता है शादी होती है ना हाँ ऊपर चढ़ते हैं ऊपर चढ़ते अच्छा ले बुला रही है आंटी दादी बुला रही देखो ये ऊँट या भैंस के गले में पहनाता ना वो सब चीजें ये देखो या आवाज करते हैं चढ़ चढ़ करके। और ये देखो पल ये ना पट्टा हाँ वो है ना डोगी का कितने का है ये 250 रुपए का। ये देखो 250 रुपए का तो इसका कपड़ा क्वालिटी कैसा रहता बढ़िया रहता है क्या ओरिजिनल स्पोर्ट का है वो स्पोर्ट का है क्या अच्छा 250 रुपए का बाकी काफी सारी बकरी का भी ये देखो ये बकरी का चर चर बोलता है ये। तो जैसे गाइस आप लोगों को बता दूं ये जो मेले लगते हैं ग्राउंड में जितने भी झूले लगते हैं तो झूले तो मतलब उस ग्राउंड में लग जाते हैं और ये जितने भी रहते हैं ना ये देखो यहाँ पे रहते हैं जो दुग्धी झोपड़ी बना रखी है इन्होंने छोटी छोटी तो इसमें ये रहते हैं मतलब जितने भी दिन मेला चलता है 10 दिन 15 दिन तो इस दुग्धी झोपड़ी में ही रहते हैं। और यहाँ पे आपको ऊँट सवारी करनी तो ऊँट वगैरह भी मिल जाएगी। और मेन पशु मेला कहाँ लगता है वो अभी हम थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि ढूंढना पड़ेगा भाई जगह सारी कवर हो गई ना यहाँ पे इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो लगता है हमारा कल पार्ट टू करना पड़ेगा पार्ट टू करना पड़ेगा। देखो गोंडा ओ छोटो देख फिल्म मत हाँ ये देखो ओ रे भाई क्या बात है। भाई क्या एंजॉय कर रहा बच्चा वो रे तेरी भाई ये दिन हमें भी याद आते हैं जब हम किस तरीके से एंजॉय करा करते थे लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है सब एंजॉयमेंट खत्म हो जाते हैं उसके क्योंकि भाई एक बच्चा होता है उसकी बात ही अलग होती है खुशी अलग होती है। और बाकी ये मेला लगा हुआ है यहाँ पे काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं ये देखो ये ड्रैगन झूला ये रोल वाला सबसे बड़ा झूला ये देखो सबसे हाइट में ऊंचे रहते हैं।
तो जैसे ही गाइस आप लोगों को बता दूं, ये ग्राउंड में जब मेला लगता है ना, तो मतलब जो मतलब अलग अलग जगह से आते हैं आप लोगों को पता ही है। और इसी के साथ में है ना, यहीं पर ही ये झुग्गी झोपड़ी बनाकर यहीं पर ही अपना खाना वाना करते हैं, खाना वाना बनाते हैं और इस तरीके से कैंप वगैरह बना के यहाँ पर रहते हैं। देखो झुग्गी झोपड़ी में और इन्हीं के ये झूले वगैरह रहते हैं और ये पूरे परिवार 15-20 दिन यहीं पर रुकता है और इस तरीके से ये झूले वूले पर खाना बनाते हैं। देखो और ये काफ़ी सारे झूले लगते हैं, ये देखो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े झूले, वो देखो फिर वहाँ से लेके आप लोगों को बताया था नीचे भी रहता है और ये ऊपर भी रहता है। तो जैसे कि आप लोगों को बता दूं, आप लोग कहीं बाहर से ये लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग अजमेर में प्री वेडिंग शूट करवाने आ सकते हो। काफ़ी अच्छा अच्छा आप लोगों का प्री वेडिंग शूट होगा और ये सारी एक्टिविटी कर सकते हो आप लोग आके। और आप लोगों को भाई राजस्थानी जो कल्चर देखना है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे ही गाइस यहाँ पे ये गेम है, आपको यहाँ पे ये देखो प्ले बॉक्स मिलेगी ऐसी कटोरी में, तो आप लोगों को ये नंबर बनाने हैं 12, 18, 24 जितने भी लिख रखे हैं, ये सब नंबर बनने के बाद में ये आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा, है ना, नंबर के हिसाब से। सर 50 रुपये की 6 बोल मिलेगी, अगर आप लोगों को नंबर काउंट हो जाते हैं तो आप लोगों को ये गिफ्ट मिलेंगे, अगर नहीं बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम, चलते रहो चलते रहो फिरते रहो। और ये और भी एक्टिविटी मेल लगाया, 50 की 12 रिंग मिलेगी और उसमें आप लोग डाल सकते हो। और ये 50 के बंडल पे जाएगा तो खाली 50 रुपए मिलेगा कि बंडल मिलेगा? हाँ खाली 50 रुपए मिलेगा। मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, मैं समझ गया नहीं करी, मतलब इसमें 10 रुपए से लेके 200 रुपए का नोट तक है और ये साबुन वगैरह भी महंगे से महंगे। अगर पूरी रिंग चल जाती है तो आप लोगों को 200 रुपए मिलेंगे या फिर जो भी जिस पे जाएगा वो चीज़ आप लोगों को मिलेगी। लेकिन ऐसा होगा, देखो सही बिल्कुल राउंड होना चाहिए और वैसे थोड़ा भी इधर हुआ तो गलत होगा। और ये आप लोगों को हैप्पी फीस भी मिल जाएगी। कौन बताएगा, आप बताओगे? बताओ थोड़ा जानकारी दो उसके बारे में, बताइए। जैसे ये रिंग डालते थोड़ी बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, इनाम नहीं मिलेगा, इनाम कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो खुलाई होगा, ऑटो भी हो सकते। एक रिंग उसके अंदर डालना, ऐसे डालना। हाँ ये 50 वाले ऐसा आएगा तो आप लोगों को पूरा 50 का नोट होगा भाई। गाइस खाली आप लोगों को 50 रुपए मिलेंगे, साबुन नहीं मिलेंगे, कपड़े धोने के लिए अलग से लाना पड़ेगा आप लोगों को। और बाकी आप लोग हार भी जाते हो तो भैया का दिल का बड़ा, आप लोग ही आपको टॉफी देंगे। ऊपर से लग रहे हैं, मैं परसों मेले में आया था, मैंने करके देखा, गया ही नहीं। वो ये 40 रुपए टिकट है, वो डुमक डुमक वाला कैसे? ये मैडम खेल रही है, इनकी मतलब बाहर चल गई तो इनको एक और बार चांस मिला, इससे रिंग से बाहर चल गई थी। ये मैडम डाल रही है, देखते कितने बनता है। 16 नंबर नहीं है 18 था। यार भैया मेरी बात सुनो, 16 नंबर ली लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, टॉफी वोफी तो दो यार कम से कम। यार ये तो गलत बात है, ना 10 वाली 5 स्टार तो रखनी चाहिए यार, कस्टमर को थोड़ा हैप्पी करके भेजो यार। चलो कोई ना, देखो अपनी अपनी रिस्क पे यार, तुम्हारे को समझ में आए तो खेलो, मेहनत बोल रहा मेहनत बोलते हैं, जबरदस्ती नहीं है बिल्कुल। वैसे तो गाइस काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं ऊँट की सवारी घूमने में, लेकिन अभी क्या पता है क्या क्या है सीन। तो ये शो में 2 जने को घुमा रहे एक साथ, ये देखो। और आज आप लोगों को यहाँ पे वैसे तो अलग अलग दिन अलग अलग कंपटीशन होता है, कभी ऊँट का, कभी भैंस का, कभी घोड़े का। तो आज तो ये देखो ऊँट सवारी चल रही है यहाँ पर, 100 रुपये में 2 जने को घुमा रहे हैं। ये देखो काफ़ी सारे ऊँट ऊँट देखने को मिलेंगे आप लोगों को। और वह सामने बॉलीवुड सिंगर आने वाला आज 8 बजे, अमित मिश्रा नाम है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो। ऊँट की सवारी देखने को मिली आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग मेले में आ नहीं पाए वो लोग वीडियो देख के एंजॉय कर पाए और नेक्स्ट बार जरूर है अपने परिवार के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तकलीफ बाय।